मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कंटिन्यू विद द चैप्टर 13 अमाइंस। आज बताइए इस अमाइन चैप्टर्स में हम स्टडी करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में आप भी जानते हैं हम दो चीज़ें स्टडी करते हैं, सॉल्युबिलिटी एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। देखिए बेटा, जब हम सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी हमारी डिपेंड करती है एक ही रीज़न, चाहे वो फर्स्ट चैप्टर ऑर्गेनिक का हेलोएल्केन्स हो, एल्कोहल्स हो, या फिर एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड वाला चैप्टर हो, यानी 10th, 11th and 12th हो, ये चैप्टर हो। जब भी हमारे पास सॉल्युबिलिटी का क्वेश्चन आए तो याद रखना, जो भी कंपाउंड्स हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं वाटर के साथ, दैट आर सॉल्युबल इन वाटर्स। और एज एमाइंस की जब हम बात करते हैं, आर NH2 दे फॉर्म्स हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर मॉलिक्यूल्स, दैट्स व्हाई दे आर सॉल्युबल इन वाटर। एंड एज द नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीजेस, एज द नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज, यानी कौन सा ग्रुप, जैसे जैसे एल्काइल ग्रुप इंक्रीज होता है, और एल्काइल ग्रुप क्या होता है, हाइड्रोफोबिक, तो हाइड्रोफोबिक पार्ट इंक्रीज होगा तो सॉल्युबिलिटी क्या कर जाएगी, डिक्रीज। द सॉल्युबिलिटी डिक्रीज विद इंक्रीज इन मोलर मास ऑफ अमाइंस, क्योंकि क्या हो जाता है, हाइड्रोफोबिक यानी एल्काइल पार्ट भी क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, इसलिए सॉल्युबिलिटी क्या कर जाती है, इंक्रीज कर जाती है बेटा। देखिए अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बेटा, क्या आउट ऑफ ब्यूटेन वन ओल, मतलब आउट ऑफ एल्कोहल्स एंड ब्यूटेन वन अमाइन, मतलब अमाइंस, विच वन इज मोर सोल्यूबल। देखिए बेटा, वो ज़्यादा सोल्यूबल होगा जो ज़्यादा क्या बनाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा वाटर के साथ, वो ज़्यादा सोल्यूबल होगा। तो हमें पता कैसे लगे कौन ज़्यादा सोल्यूबल है कौन सा नहीं, देखिए जब हम बात करते हैं एल्कोहल की, तो एल्कोहल के अंदर आता है ROH यानी ऑक्सीजन, एंड दूसरे में क्या आता है RnH2, और यहाँ पे नाइट्रोजन। अब ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में से विच वन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, यानी ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, पता लग गया हमें कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो पोलर कौन सा ज़्यादा होगा, यानी एल्कोहल इज मोर पोलर, और जो जितना ज़्यादा पोलर इन नेचर होता है बेटा, वो उतना ज़्यादा क्या बनाता है, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है वाटर के साथ, यही लिखा है। तो ब्यूटेन वन ओल विल बी मोर सोल्यूबल इन वाटर, क्यों, बिकॉज एल्कोहल्स आर मोर पोलर इन नेचर, पोलर समझ में आए, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन क्या है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर है, ठीक है बेटा, इसलिए क्या होंगे, ज़्यादा क्या करेंगे, स्ट्रॉन्गर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे किसके साथ, वाटर के साथ, देन एमाइंस, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है बेटा सोल्युबिलिटी ऑर्डर, तो कौन ज़्यादा सोल्यूबल, जो ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, तो हाइड्रोजन बॉन्ड कौन ज़्यादा बनाएगा, प्राइमरी एमीन, देन सेकेंडरी एमीन, देन टर्शियरी एमीन, ठीक है बेटा। नेक्स्ट हम बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट। आप भी जानते बेटा बॉइलिंग पॉइंट अगेन कौन कौन से फैक्टर पर डिपेंड करता है, सबसे पहले हाइड्रोजन बॉन्ड, तो स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है बेटा कौन, प्राइमरी, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा किसका होगा, प्राइमरी का, ऑफ सेम मॉलिकुलर मास, किसका, सेम मॉलिकुलर मास। दूसरी बात करते हैं सरफेस एरिया, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया यानी नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड इंक्रीज होते जाएंगे, यानी कार्बन एटम जितने ज़्यादा इंक्रीज होते जाएंगे, उतना ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट क्या करेगा, इंक्रीज होगा। थर्ड पॉइंट मोलर मास, एज द मॉलिकुलर मास या मोलर मास इंक्रीजेस, बॉइलिंग पॉइंट अगेन क्या करता है बेटा, इंक्रीज करता है। एंड लास्ट हमारे पास है नंबर ऑफ ब्रांचिंग, जैसे जैसे ब्रांचिंग इंक्रीज करेगी सॉल्युबिलिटी क्या करेगी, बॉइलिंग पॉइंट क्या करेगा, डिक्रीज कर जाएगा विद सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो देखिए बेटा नेक्स्ट हमारे पास है ये ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, तो प्राइमरी का सबसे ज्यादा होगा, और ये सब कब होगा, जब सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम कह दो, सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम या मोलर मास क्या हो, सेम, तब ये एप्लीकेबल है। अब इसके बाद बेटा देखिए, हमारे पास डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स, हम जब बात करते हैं फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, सबसे ज़्यादा किसका होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, सबसे ज़्यादा कार्बोक्सिलिक एसिड, देन एल्कोहल्स, इसके बाद हमने चैप्टर पढ़ा था एल्डिहाइड उस वाले चैप्टर्स के, इसके बाद होता है बेटा कीटोन्स का, देन
इससे कम एल्डिहाइड्स। एल्डिहाइड्स और एमाइंस का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो लगभग क्या रहता है बेटा, सेम। जब इसकी इसके बाद हम बात करते हैं, इसके बाद आता है ईथर्स और लास्ट एल्केन। तो बेटा ये वाला जर्नल ऑर्डर आप याद रखना, ये हर एक चैप्टर में यूज़ होने वाला है और इसी के बेसिस पे आपके पास आएगा। और उसके बाद सिर्फ ये वाला, ठीक है बेटा। अब जब हम बात करते हैं बेटा बॉइलिंग पॉइंट की, तो बॉइलिंग पॉइंट इन इन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। किस किस पे? हाइड्रोजन बॉन्ड। और आप जानते हैं अमाइंस क्या करते हैं, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं। क्या करते हैं? इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये देखिए आर एन एच एंड एच, ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड में इन्वॉल्व होता है, और ये भी क्या करता है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। तो ये सारे के सारे क्या करते हैं बेटा, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। अब देखिए इसमें कितने हाइड्रोजन है, दो, तो दोनों हाइड्रोजन फॉर्म करेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड। अब सेकेंडरी के अंदर कितने हाइड्रोजन बॉन्ड आएंगे, क्योंकि इसके पास सिर्फ एक हाइड्रोजन है, तो एक ये एक ये। और यहाँ देखिए 1 2 3 3 इन्वॉल्व होते हैं, यहाँ कितने हुए, दो। और टर्शियरी की जब हम बात करते हैं, टर्शियरी में तीन अल्काइल ग्रुप आ गए, नाइट्रोजन कितने होंगे, एक। तो आप भी जानते हो, तो हाइड्रोजन बॉन्ड सबसे कम किस में होगा, इसके अंदर। इसलिए सबसे बॉइलिंग पॉइंट इसका क्या होता है, सबसे कम होता है। असल में यानी टर्शियरी एमीन्स का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होता है एज कम्पेयर टू सेकेंडरी, एज कम्पेयर टू प्राइमरी। इसलिए मैंने लिखा यहाँ पे साफ साफ, देखिए बेटा प्राइमरी एमीन्स का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा, फिर सेकेंडरी एंड देन टर्शियरी।